ईज के नाम पे मशीन, देखो एआई वगैरह ठीक है, लेकिन मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूं एआई के ऊपर भी एक चीज है, एचआई है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसका भी एक स्किल है। एआई हमको प्रभावित ना करे, एचआई हमको प्रभावित करे, एक स्किल है। एआई को यूज करना ईज के लिए, कहां अटकना, उसकी स्किल्स को समझना है, फिर ह्यूमन ब्रेन को अप्लाई करना है, तब जाके क्रिएटिविटी होगा, तब जाके नवाचार होगा, इनोवेशन होगा। एआई इनोवेटिव चीज है, एआई इनोवेशन नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है, उस टूल को यूज करना है। और भारत में तो मैं इसको लेके, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख के मेरे मन में आ रहा था कि भारत में सरकारी व्यवस्था में, यानी एनईपी ने कहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, एक्सेसिबल एजुकेशन देंगे, अफोर्डेबल एजुकेशन देंगे। ये देंगे कैसे? देने की एक ही जादू है, डिजिटल नेटवर्किंग। और दुनिया में, भारत में जिस प्रकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो कहीं नहीं बन रहा है। आने वाले 3 साल के अंदर भारत की 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर लग जाएगी। भारत की इंस्टीट्यूशंस ने, भारत की आईआईटीज एंड सीडाट जैसे संस्थाओं ने इंडिजेनस 6G की बात कहने लगे हैं। चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में, अभी अभी G20 की कॉन्क्लेव समाप्त हुई, जो भी देश के लोग आए थे सब एक विषय में सहमत थे, आने वाले दिनों में भारत की दो एडवांटेज है। उसका एक यह है कि भारत की इमर्जिंग इकोनॉमी, भारत की एस्पायरिंग इकोनॉमी, भारत की न्यू मिडिल क्लास, भारत की मिडिल क्लास, अभी अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें 13 करोड़ लोग पॉवर्टी लिस्ट से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ के अपर ब्रैकेट में पहुंचे हैं। मैं घूमते रहता हूं, मैं इतना बड़ा मेरे तरीके से चीजों को समझने का कोशिश करता हूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 80s में, मैं दिल्ली पहली बार आया था, उस समय में हम लोगों के जमाने में प्रोलाइन करके एक अच्छा ब्रांड होता था मेन्स वेयर की, टी शर्ट की, और मैं प्रोलाइन की एक टी शर्ट पहन के गया था, उसको 6 साल पहना था, मैं लगातार नहीं पहना था उसको, मैंने तय किया था थोड़ा ये दशहरा के महीने उसको पहन के घूमूंगा। मैं उसके बाद थोड़ा कोशिश किया, मेरे राज्य में उसको खरीदने के लिए नहीं मिला मेरे को। आज मैं कभी कहीं घूमता हूं देश में ना, सब डिस्ट्रिक्ट में ग्लोबल ब्रांड मिलता है, हमारे वहां बनता ही है, तो फैक्ट्री आउटलेट कहते हैं ना। कल मैं देहरादून से लौट रहा था, मेरे को 2 उड़िया लोग मिले, मेरे को ऐसे जान पहचान हुई। आप क्या करते हैं ना, मैं जूते की कारखाना लगाए हैं देहरादून के पास, देहरादून हरिद्वार के बीच में, क्या बनाते हैं? बोले हम फैक्ट्री लगाए, क्या बना, कौन सी ब्रांड, आपकी ब्रांड कौन सा है? उन्होंने मजाक में कहा, सर हमारा ब्रांड एडिडास है, हमारे ब्रांड प्यूमा है, हमारे ब्रांड नाइक है, हमारे जैसा भी है, यानी क्वालिटी है ही है। मेरा कहने का उद्देश्य क्वालिटी ही है। मैं आज सुबह एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को मिला, मैंने भारत में ये डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल कहां तक जाएगी, मैं तो उसके लेके 3-4 दिन रात को सपना ही देखा, और आज मैं बहुत आनंद से उसको, सपने को और रिलीज करूंगा। उस वुमेन एंटरप्रेन्योर ने उस राज्य की कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, अब किसी भी आज मध्यवर्गीय घर में जाओगे टीवी में एक मैग्नेट मिलता है, एक स्टेटस सिंबल है, एफ्लुएंसी स्टेटमेंट है, एस्पिरेशन है, तीनों चीज मिलके है। उसकी कॉस्ट 100-150 रुपया होता होगा या उससे ज्यादा है,
मैंने देखा कि वो भारत की किसी राज्य की कल्चरल आइडेंटिटी को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया है, वो उसकी स्किल उसमें लगी है। उसको मैंने जब पूछा उसको कैसे कैसे किया कौन किया, तो उसमें चार पांच प्रकार की स्किल लोग उसमें लगे हैं। उसको मार्केटिंग कैसे करते हो, ये सारे चीज आने वाले दिनों में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में रहेगा। कोई आएगा स्किल इस प्रकार की कमोडिटी कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, और इसको शिक्षा कौन लेंगे? पूरा भारत संजय जी के दायित्व में 260 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। अगर 6 से 12 इतने बच्चों को हमने थोड़ा थोड़ा, अभी एनईपी ने कहा है कि स्किल और स्कूल दोनों इकट्ठा होगा, दोनों को अगर हम इकट्ठा करते ये 15 करोड़ लोग हैं।